जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय को गवाए शुरुआत करते हैं हम मंथली राशिफल की तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा आइए जानते हैं। आप लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा बीतने वाला है क्योंकि सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में स्थित है। इसके चलते करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। महीने के मध्य में 15 तारीख के बाद आपको शुभ समाचार प्राप्त ज़रूर होंगे। वहीं अगर आप तकनीकी क्षेत्र में है, टेक्निकल लाइन में है, तो महीने के अंतिम यानी कि लास्ट वीक में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो ये है आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। महीने के दूसरे भाग में शनि शुक्र की युति आपके पांचवें भाव में होगी, जिसके चलते आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और आप उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बोलूं करियर के क्षेत्र में ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। अब अगर मैं आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों का ये महीना बेहतर रहेगा। महीने की शुरुआत कुछ अच्छे अच्छे अवसरों के साथ होगी क्योंकि दूसरे भाव में स्वामी के रूप में विराजमान स्वयं मंगलदेव आप अपने ही भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यदि आप बहुत सोच समझकर योजना बनाते हैं तो खर्चों का थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा देखिए कमाई की अगर मैं बात करूँ तो आपके अलग अलग जगह से कमाई भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको सोच समझकर खर्चा करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो आपका बजट ख़राब हो सकता है। महीने के दूसरे भाव में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जनवरी का जो मंथ रहेगा आपको कई तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे तो बहुत ही उत्तम साबित होगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो जनवरी का जो मंथ है तुला राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंगल आठवें भाव में स्थित है और दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की ज़रूरत है और पौष्टिक संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। टाइम बाई टाइम खाते हैं तो छोड़ दीजिए, ये दोनों ही आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, टाइम से खाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगी। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड खाने से परहेज़ करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको थोड़ा सा आपकी तंत्रिका तंत्र से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप लंबे समय से अगर बीमार चल रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखना संभव होगा। प्रेम और पर्सनल लाइफ यानी कि आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जनवरी का मंथ देखिए, क्योंकि इस महीने राहु आपके सेवेंथ हाउस में है, सातवां घर यानी कि शुक्रदेव का घर, तो ऐसे में सूर्य शनि की दृष्टि आपके करियर पर तो होगी ही, लेकिन इसके कारण आप अपने काम को, क्योंकि काम में बहुत बिजी रहेंगे, इस वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे और लाइफ पार्टनर को समय नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको अपने प्रेम में सफलता ज़रूर लानी चाहिए और ऐसे में आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महीने की शुरुआत आपकी और आपके पार्टनर के लिए कुछ खास परिणाम नहीं देगी। इस समय पार्टनर के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, हालांकि फरवरी तक आपके संबंध बेहतर होने लगेंगे और आपको अपने रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 26 तारीख के बाद आपके लिए चीज़ें सुधरेंगी। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी तो आप कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए। अगर आप अविवाहित हैं और अपने जीवन साथी की तलाश में हैं तो ये मंथ आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है।
हालांकि देखिए आपकी किसी से मुलाकात ज़रूर होगी, किसी नए इंसान से आप ज़रूर मिलेंगे, आप उसके प्रति अपने अपने आप को आकर्षित भी फील करेंगे, आपका इन्फैक्चुएशन बढ़ेगा। ये महीना आप अपने प्यार का इजहार करने के लिए अच्छा नहीं समझिए, मैं आपको ऐसा कहूँगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आप पहले जान पहचान बढ़ा लें, एक मंथ अच्छे से टाइम ले लें, उसके बाद ही आप किसी मेजर डिसीजन पे आइए, नहीं तो वो डिसीज़न आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो फिर वही, क्योंकि देखिए आपके घर में किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेशन होना तो बनता है। राहु की जो स्थिति है उस हिसाब से सेलिब्रेशन ज़रूर होगा, चाहे छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो। आपके चौथे भाव में सूर्य और शनि की युति होने के कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूरी है। अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो रखी है, तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाइए। मधुर बनाने की कोशिश रखने में ही आप चीज़ों को सुधार पाएंगे, इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। संभव है कि इस महीने आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, या कोई आपके घर आ सकता है, कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुला राशि के जातकों के लिए एक नए चरण की शुरुआत होने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि परिवार बढ़ने का संभव समय है। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो ये पीरियड बहुत अच्छा है, आपको कई तरीके की नई खुशियों का अनुभव भी होगा। जो लोग मैरिड नहीं हैं, तो फिर से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग इस टाइम पर डिसीज़न मत लीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने माँ बाप की मंजूरी, यू नो, उनके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार का समर्थन डेफिनेटली मिलेगा। आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। अब आपके करियर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो आप बेसिकली उपाय के तौर पे अपने जॉब का जो प्लेस है आपका या बिजनेस का, देखिए जॉब का तो अब आप ऑफिस जाते हैं तो जो प्यून होते हैं वो आपके डेस्क को क्लीन करते हैं, है ना, आपके पर्टिकुलर स्पेस को क्लीन कर देते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, किसी ने साफ़ किया या नहीं किया उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपने हाथों से खुद अपने डेस्क की सफाई ज़रूर करिए। बेसिकली आपको सफाई रखना अपने आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डिपेंड मत रहिए। ये एक मंथ आप खुद से ही अपनी टेबल चेयर साफ़ कर लेंगे तो इतने में भी चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में आपको एक खास हिदायत दी जाती है, आप गोल्ड का कुछ ना कुछ ज़रूर पहनिए, कुछ नहीं तो आप गोल्ड की चेन गले में डाल सकते हैं। ये मंथ ऐसा करने से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और इस मंथ गोल्ड की चेन अगर आप गले में पहनते हैं, नहीं तो गोल्ड का कड़ा आप हाथ में पहन सकते हैं, तो लोगों के ऊपर आपका नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। साथ ही में आप बुज़ुर्ग महिलाओं की सेवा करिए, बुज़ुर्ग जो वृद्ध महिलाएँ हैं आप उनको मान सम्मान दीजिए, जो उम्र में आपसे बड़ी हैं आप उनको दूध से बनी हुई मिठाइयों का दान दे सकते हैं। और जो लोग, जो बच्चे इस राशि के पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हिदायत दी जाती है कि बच्चों आप लोगों को, आप स्टूडेंट हैं या कॉलेज में हैं, आप लोग अपने फेस को वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप फेस करके पढ़ाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आपको, आप किसी भी तरीके का पेन यूज़ करिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऊपर पेन का कवर होना चाहिए वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अखरोट का जितना सेवन करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही में अगर आपकी माता को शारीरिक कष्ट है, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी माता को कष्ट है या फिर आपके जीवन साथी को बहुत कष्ट है, तो आप मंदिर में सफ़ेद रंग की मिठाइयों का दान करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेंगी। इसके अलावा आप अपने बेडरूम में लेमन येलो या फिर मस्टर्ड कलर, है ना, इस कलर्स की बेडशीट्स का यूज़ करिए। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, इन बेडशीट्स का यूज़ मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हेल्थ के लिए आपको डार्क कलर अवॉइड करके चलने हैं, और हो सके तो आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर में, जो मैंने आपको बोला, दूध की मिठाई का दान दीजिए, और साथ ही में आप तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें शहद डालकर आप
पीपल के वृक्ष को नियमित जल दीजिए। पीपल के वृक्ष को जल मंडे टू सैटरडे देना है, संडे हम जल नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि संडे को पीपल के वृक्ष पे लक्ष्मी जी का वास होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर जनवरी में किसके साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या रिलेट किया, है ना, ये बताएंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। साथ में फिर फरवरी के मंथ में भी मैं इसी तरह आपके लिए, आपकी राशि के लिए न्यू वीडियो प्रिपेयर कर लेकर आऊँगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा आपको। जय माता दी।